वाराणसी सब याद रखती है, ली गई शपथ, किए गए वादे, सब कुछ। 18 महीने पहले शहर को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए वचन दिया गया था। पाइपलाइन से गैस देने का हमने तय किया है, उसके तहत आज मेरे संसदीय क्षेत्र के परिवारों के घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है। ये ऐसी सरकार है जो शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करना चाहते हैं। स्वच्छ व हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने का वचन दिया गया था। जीवन के नए तौर तरीके के लिए शहर गैस वितरण परियोजना का गेल इंडिया लिमिटेड ने शहर गैस वितरण परियोजना के त्वरित और कुशल कार्यान्वयन से वाराणसी के घरों में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई है, जिससे वाराणसी शहर को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का लाभ मिला है। 755 करोड़ रुपए के निवेश से 1535 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जा रहा है। वाराणसी शहर के घरों, उद्योगों, शवदाह गृहों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को निर्विघ्न हरित ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। पहले तो प्रदूषण कम होगा और 50 का एवरेज मिल रहा है, कम ईंधन खर्च होगा, उसकी कमाई होगी, तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे ही लगाएंगे। अब वो पैसा बचेगा तो वाराणसी अब अनियंत्रित रूप से बढ़ते हुए प्रदूषण तथा निरंतर बढ़ती रही ऊर्जा मांग की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार है। आज नल में पानी की भांति पाइप में PNG प्रवाहित हो रही है, मतलब ज्यादा सेफ्टी है। जैसे इसमें गैस अगर निकलता है तो लोग बताते हैं ऊपर चला जाता है, आग लगने का डर नहीं है और 24 आवर्स आता है, कब खत्म हो ना हो उसका कोई टेंशन नहीं है। आज हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ गंगा की पवित्र भूमि पर अपना वचन निभाने के लिए वापस आए हैं। वाराणसी शहर को आधुनिक युग की ऊर्जा का स्रोत मिला है। माँ गंगा वाराणसी के इस ऐतिहासिक दिवस के स्वर्णिम पृष्ठ को हमेशा याद रखेगी, जब साफ नियत सही विकास की शपथ को चरितार्थ कर वाराणसी को हरित, स्वच्छ और उज्ज्वल जीवन पद्धति की सौगात मिली थी।